तो गाइस इस वीडियो का मकसद तो तुम्हें टाइटल देख के पता ही लग गया होगा। इस वीडियो के लिए हम और तुम सब ने मिलकर ढूंढे हैं कुछ ऐसे स्टार्स जिन्होंने किसी ना किसी वजह से अपना करियर खराब ही कर लिया। पिछली बार हमारी लिस्ट में थे फरदीन खान, मनीषा कोइराला, शक्ति कपूर, शाइनी आहूजा एंड विवेक ओबेरॉय। तो आज हम पार्ट टू में ऐसे ही पांच और स्टार्स की बात करेंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखना। नंबर 5, जैस्मिन धुन्ना। जैस्मिन धुन्ना ने अपने करियर की शुरुआत 1979 की मूवी सरकारी मेहमान से की थी। बाबू हीरो लग रहे हो, हीरो। ए छोकरी ठीक से बात करो, ये हमारे साहब हैं। अरे साहब है तो क्या हुआ, अपने को तो मन का मीट लगता है। उसके बाद उन्होंने एक और मूवी की, लेकिन उनको पॉपुलैरिटी, फेम और एक्नॉलेजमेंट अपनी थर्ड मूवी से मिला। अभी तो रात कम सी है। 80s, 90s में जब काफी हॉरर मूवीज बन रही थी ना, तभी सबसे डरावनी मूवी की लिस्ट में आज तक अपना नाम शामिल करने वाली मूवी वीराना भी बनी थी। जैस्मिन धुन्ना ने वीराना मूवी के साथ अपनी सुंदरता और हॉटनेस के लिए काफी तारीफें भी बटोरी, लेकिन वीराना जैस्मिन धुन्ना की थर्ड ही नहीं बल्कि लास्ट मूवी बन गई। इस मूवी के बाद जैस्मिन धुन्ना बॉलीवुड से ही नहीं बल्कि मुंबई से ही गायब हो गई। शराब जितनी पुरानी हो उतना नशा ज्यादा देती है। वो कैसी है, कहाँ है भी या नहीं, ये आज तक किसी को भी नहीं पता। लेकिन कुछ इनसाइड न्यूज से दो तीन कॉन्ट्रोवर्सी सामने आई हैं, जिससे दो पॉसिबिलिटीज बताई जा सकती है। पहली, वीराना की एक्ट्रेस की खूबसूरती और बोल्डनेस पे काफी लोग फिदा थे, लेकिन उनमें से एक नाम इब्राहिम दाऊद भी था। दाऊद उन्हें परेशान करते थे और इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस को भी जाके की थी, लेकिन दाऊद के खिलाफ पुलिस क्या ही कर सकती थी, इसीलिए कोई कार्रवाई भी नहीं की गई और इसीलिए वो अमेरिका जाके शिफ्ट हो गई, जिसका प्रूफ नहीं है। दूसरी बात ये बोली जाती है कि वीराना मूवी के बाद जैस्मिन धुन्ना की माँ की डेथ हो गई और उन्होंने बॉलीवुड से डिस्टेंस बना लिया। अब इन दोनों बातों में ना किसी भी बात का सच होने का कोई प्रूफ नहीं है, इसीलिए आज तक उन्हें गायब ही माना जाता है। नंबर 4, अमन वर्मा। अमन वर्मा एक जाने माने एंकर और काफी अच्छे एक्टर माने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1993 में एक सीरियल से की थी। He is best known for anchoring खुल जा सिमसिम। बोलने के लिए क्या कहेंगे हम? खुल जा सिमसिम। और अगर अभी भी तुमने अमन वर्मा को नहीं पहचाना है ना, तो ये मीम तुम्हें पक्का याद दिला देगा। रुला दिया ना बेचारी को, अब तो खुश है ना। अमन वर्मा 2005 तक काफी काम कर चुके थे और ऐसा कह सकते हैं कि वो अपने करियर के पीक पे थे, लेकिन तभी उनकी सक्सेस के बीच में आ गया चैन से सोना है तो जाग जाइए, इंडिया टीवी। 2005 में इंडिया टीवी ने अमन वर्मा पे एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसे उन्होंने नेशनल टीवी पे टेलीकास्ट भी किया। उस वीडियो में अमन वर्मा एक लड़की को अपने साथ एक रात स्पेंड करने की बात करते हुए सुनाई दिए गए और इसी वजह से उनपे कास्टिंग काउच का इल्जाम भी लग गया। लेटर देन अमन वर्मा ने टीवी इंडिया प्रोग्राम मैनेजर साहिब इलियासी, रजत शर्मा, इंडिया टीवी और उस जर्नलिस्ट सबको सू किया था। अमन वर्मा ने बोला कि सुहेब इलियासी ने फुटेज से कुछ पार्ट्स काट दिए उनकी इमेज खराब करने के लिए। यही नहीं, इस फुटेज के लिए उन्हें पैसों के लिए ब्लैकमेल भी किया गया। इसके बाद से अमन वर्मा की इमेज काफी खराब हो गई और कोई ना कोई स्टिंग ऑपरेशन उनपे होता रहा। नंबर 3, सूरज पांचोली। सूरज पांचोली ने बॉलीवुड में एंट्री एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर ली थी। उन्होंने गुजारिश और एक था टाइगर जैसी मूवी में असिस्टेंट डायरेक्टर का रोल भी निभाया है। पर जब सूरज अपना एक्टिंग करियर स्टार्ट ही करने वाले थे, तभी उनकी एलिज्ड गर्लफ्रेंड जिया खान ने 3 जून 2013 को सूरज के घर से अपने घर आने के बाद सुसाइड कर लिया। उसका सीधा शक सूरज पांचोली पर लगाया गया। सूरज पांचोली अरेस्ट तो हुए, लेकिन विद इन 1 वीक उन्हें बेल मिल गई। इस केस में सूरज पांचोली को बचाने के लिए सलमान खान ने उनकी काफी हेल्प भी की और इमेज क्लीन के लिए और सूरज पांचोली को जिया खान की न्यूज से बाहर निकालने के लिए 2015 में सलमान ने अपने पुराने दोस्त आदित्य पांचोली के बेटे सूरज पांचोली को हीरो मूवी में एज अ हीरो लॉन्च किया। हीरो मूवी के लिए उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला।
लेकिन कितना भी काम और कितनी ही मूवीज करने के बाद भी सूरज पांचोली का जिक्र सिर्फ जिया खान सुसाइड केस में ही होता है। लास्ट मंथ अप्रैल 28 को इतने लंबे टाइम से चलते आ रहे जिया खान सुसाइड केस में सीबीआई ने सूरज पांचोली को लैक ऑफ एविडेंस की वजह से इस केस से बरी कर दिया है। और ये सूरज पांचोली के करियर के लिए काफी फायदेमंद हो गया है या नुकसानदायक, ये तो अब आने वाला टाइम ही बताएगा। People think I'm the bad guy, but guys look at it like that, like I'm going to court because I want this to end. नंबर टू, रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती का नाम इतना ज्यादा पहले किसी ने भी नहीं सुना था जितना हमने 2020 में सुना। रिया चक्रवर्ती ने अपना टीवी डेब्यू 2009 में एमटीवी के साथ और अपना फिल्म करियर 2012 में तेलुगु मूवी के साथ किया था और 2013 में मेरे डैड की मारुति मूवी में रिया ने अपना बॉलीवुड डेब्यू भी किया। 2018 तक रिया ने जलेबी, हाफ गर्लफ्रेंड, सोनाली केबल जैसी मूवीज में अपनी प्रेजेंस दी और जलेबी मूवी से उन्हें एक्नॉलेज भी किया जाने लग गया था। मुझे शादी करनी थी तुमसे। हाँ वाला हाँ है कि सवाल वाला हाँ। अप्रैल 2019 में रिया ने बॉलीवुड एक्टर लेट सुशांत सिंह को डेट करना स्टार्ट कर दिया था। वो जिम, डिनर डेट्स और काफी जगह अब साथ दिखने लगे थे। सितंबर 2019 में रिया ने अपने भाई और लेट सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी भी रजिस्टर करवाई और दिसंबर 2019 तक वो दोनों साथ रहने भी लगे। काफी टाइम तक सब सही चलने के बाद जून 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की न्यूज आई कि एक्टर ने अपने अपार्टमेंट में सुसाइड कर लिया। टू बी ऑनेस्ट यार, इस केस में और सूरज पांचोली और जिया खान के केस में ना एक ही सिमिलैरिटी है कि दोनों एक्टर्स ने रिलेशनशिप के एक साल के बाद सुसाइड कर लिया। एक्टर के पापा ने रिया और पांच और लोग के खिलाफ एफआईआर भी करवाई और साथ में सुशांत से 15 करोड़ रुपए चुराने का इल्जाम भी लगाया। केस में जब ड्रग्स का इन्वॉल्वमेंट सामने आया तो रिया को एनसीबी ने अरेस्ट कर लिया और रिया को बेल मिलने में लगभग एक महीना लग गया। लोगों ने रिया को हर तरफ से ट्रोल और टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। ऑडियंस की रिया से नाराजगी और गुस्से को देख के 2021 में मूवी चेहरे के ट्रेलर और प्रमोशंस दोनों से दूर रिया को रखा गया। आपको क्या लगा मैं वापस नहीं आऊंगी? रिया अब अपना कमबैक रोडीज में एज अ गैंग लीडर बनके करने वाली है, लेकिन क्या ऑडियंस उन्हें एक्सेप्ट कर पाएगी? प्लीज ट्राई एंड हैव सम हार्ट टू सी व्हाट मी एंड माय फैमिली आर गोइंग थ्रू, इज वेरी अनफेयर। नंबर 1, गोविंदा। लिस्ट में ये नाम सुन के जितना तुम्हें दुख हो रहा है ना यार, उतना मुझे भी हो ही रहा है। गोविंदा सर को कौन नहीं जानता? उनका डांस, उनकी कॉमेडी रोल्स, उनकी नेचुरल एक्टिंग का कौन फैन नहीं है यार। गोविंदा 80s में ऐसे बने जिन्होंने कॉमेडी को मेन स्ट्रीम में लाके रख दिया और उसे एक सीरियस बिजनेस भी बना दिया। किधर है मुर्गा माँ? इधर। लेकिन गोविंदा का करियर कॉमेडी रोल्स में जब पीक पे था तभी गोविंदा ने सबको हैरान कर देने वाला डिसीजन लिया पॉलिटिक्स में जाने का। ही गॉट इलेक्टेड इन लोकसभा, लेकिन वो वहाँ बहुत कम प्रेजेंट रहते थे और इसी वजह से उन्हें काफी क्रिटिसिज्म झेलना भी पड़ा। पॉलिटिक्स में वापस जाएंगे? हाय 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 नहीं क्या। 2008 में जैसे ही उन्होंने पॉलिटिक्स से रेजिग्नेशन दिया और बॉलीवुड की सेकेंड इनिंग स्टार्ट कर दी। गोविंदा ने अपने करियर की सेकेंड इनिंग्स में भागम भाग, पार्टनर जैसी मूवीज देने के बाद उनका सेकेंड लीड रोल में भी ना इंटरेस्ट थोड़ा कम सा दिखने लगा। तब उन्होंने मनी है तो हनी है जैसी पुअर चॉइसेस भी की। गोविंदा ने अपनी फिल्म मनी है तो हनी है के सेट पे एक स्ट्रगलिंग एक्टर संतोष राय को थप्पड़ मार दिया। संतोष राय ने गोविंदा पे उनसे माफी ना मांगने पे उन पे केस तो कर दिया, लेकिन वो केस बहुत लंबा चला और लास्ट में कोर्ट ने गोविंदा को ये मैटर सॉरी बोल के आउट ऑफ द कोर्ट निपटाने का ऑर्डर दिया। पीड़ित के मुताबिक गोविंदा ने कहा, तुम मेरे कारण फेमस हो गए हो, तुम्हें तो हमें ही कुछ देना चाहिए। गोविंदा को अपने फ्रेंड्स की तरह ही ना यार लार्जर देन लाइफ वाले रोल्स करने थे, इसीलिए उन्होंने सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस की मूवी में पाप का रोल करने से ही मना कर दिया और उनकी मेन लीड वाली मूवीज करने की जिद से धीरे धीरे उन्हें काम मिलना ही बंद हो गया और टाइम के साथ चीची उर्फ गोविंदा की पॉपुलैरिटी फेड आउट होती चली गई। अवतार, अवतार टाइटल मैंने दिया था। तो गाइस ये थे वो पांच एक्टर्स जिन्होंने अपना करियर
खुद बर्बाद किया। तो तुम्हें क्या लगता है कि इस लिस्ट में और किसे होना चाहिए था, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताना। और अगर तुम हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है ना यार, उसको दबा दो और सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। तुम लोग हमें हमारे सोशल हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो, ये रहे हमारे सोशल हैंडल्स। और तो और गाइस, अगर तुम लोग हमसे डेली कनेक्ट होना चाहते हो तो हमें सब्सक्राइब करो YBP TV पे, जहां हम डेली व्लॉग्स डालते हैं। हम मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। वीडियो देखी ना अब लाइक सब्सक्राइब, लाइक सब्सक्राइब, हाँ कर दो, लाइक सब्सक्राइब, लाइक सब्सक्राइब, हाँ कर दो।